करो। सामिन, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूँ जिससे पता चलेगा कि हमें कैसा पड़ोसी बनना चाहिए। तो आइए बिला तखीर बढ़ते हैं वाकये की तरफ। मुहद्दिसीन में एक बुजुर्ग हैं जिनकी कुनियत है अबू हमजा। इनको शक्री भी कहा जाता है, शक्कर चीनी को कहते हैं। इनका नाम ये इसलिए पड़ा था कि इनकी बातों में इतना नशा था कि जब ये लोगों से बातें करते तो इनकी बातें लजीज होती थीं कि सुनने वालों को लज्जत का नशा आ जाता था। इनकी बातों में हलावत और मिठास थी। एक मर्तबा इनको पैसों की जरूरत पेश आई। इनके पास एक बड़ा मकान था, मकान के अलावा कोई और चीज ना थी जिसको बेचकर पैसे हासिल करें। उन्होंने इरादा किया कि इस बड़े मकान को बेचकर किसी और जगह पर छोटा सा मकान खरीद लूं और जो पैसे बचे इससे अपनी जरूरत पूरी कर लूं। चुनाचे उन्होंने एक खरीदार से मकान का सौदा कर लिया और एक दो दिन के अंदर मकान खाली करके इसके हवाले करने का वादा कर लिया। पड़ोसियों को जब मालूम हुआ कि अबू हमजा शकरी मकान बेचकर कहीं और जा रहे हैं तो सारे पड़ोसी मिलकर इनके पास हाजिर हुए और इनसे कहा कि हमने सुना है कि आप हमारा मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। हमारी दरख्वास्त ये है कि आप हमारा मोहल्ला ना छोड़ें और जितने पैसे खरीदार इस मकान के बदले आपको दे रहा है हम सब मिलकर इतने पैसे आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका यहाँ हमारा पड़ोस छोड़कर जाना काबिले बर्दाश्त नहीं, इसलिए कि आपके पड़ोस की बदौलत हमें बहुत सी नेमतें मुयस्सर हैं, हमें ऐसा पड़ोस मिलना मुश्किल है। सामईन, इसको कहते हैं पड़ोसी जिससे पूरा मोहल्ला इतनी मोहब्बत करे कि उसकी जुदाई बर्दाश्त ना करे बल्कि अपने पास से पैसे देकर उसकी जरूरियात पूरी कर दे। अल्लाह ताला हम सब को भी अच्छे पड़ोसी बनना नसीब करे और हम सब को हदायत की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन।